السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أوصله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم رب زدني علما قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے ہم سب کا داتا ہے نفع نقصان کا مالک ہے بگڑیاں بنانے والا ہے موت و حیات کا مالک ہے جو علی کل شیء قدیر ہے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام مجتبی امام الرسل خاتم الانبیاء آقا دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے صاحبوں اور ساتھیوں قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے اس کا فضل ہے اور اس کا شکر ہے اور اس کی ہم سب پر خاص عنایت ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی حضرات و سامعین اللہ مالک العلام کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا
दुआ है कि अल्लाह हम सब को अकाल ही सलात व सलाम का सच्चा मुती और फरमा बरदार बनाए। हज़रात सामईन, पिछला जुमा हमने जन्नत में ले जाने वाले आमाल, उन आमाल के मुतल्लक के जो अमल करके इंसान जन्नत के करीब हो जाता है, अपने रब के करीब हो जाता है, आज भी इंशाअल्लाह रहमान बिफज़लिल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से अपने इसी मौज़ू को आगे लेकर चलूँगा। और आज हम मज़ीद सीखेंगे, कुछ बातें हमारे इलम में हैं लेकिन हम भूल चुके हैं। इंसान हैं, इंसान ख़ताकार है, निसियान खार है, भूल जाता है, सुस्ती का मारा है, गफलत हो जाती है, कमी कुताही इस इंसान की रग रग में है। हजरात, हमने अपने भूले हुए सबक को याद करना है और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, आज हैं कल हो ना हो, पिछले रमज़ान हमारे साथ कुछ लोग थे जो रोज़े रखते रहे, आज वो हमारे साथ नहीं हैं। हजरात, ज़िंदगी के एक लम्हे का भी नहीं पता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा सांस जो नीचे गया है वो ऊपर आएगा या नहीं आएगा, मुझे तो इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है। तो हजरात, मौत आनी है तो हमें मौत के आने से पहले पहले कम अज़ कम वो आमाल कर लेने चाहिए कि जिनके करने की वजह से अल्लाह अपनी रहमत की नज़र फरमाए और हम सबको अपनी जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता फरमा दे। जन्नत में जाने के लिए इंसान को बड़े बड़े नेक आमाल, छोटे छोटे नेक आमाल करने पड़ेंगे। और अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए बड़ा गुनाह है या छोटा गुनाह है उससे अपने आप को बचाना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद के चौथे पारे के अंदर ऐलान फरमाया, वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उद्दत लिल मुत्तकीन। क्या लोगों, अल्लाह की मगफरत की तरफ दौड़ो और उसकी बख्शिश की तरफ दौड़ो। व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु, और वो जन्नत जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार की है, जब तुम उस रब की तरफ दौड़ोगे, जब तुम्हारी रगबत उस रब की तरफ होगी, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा, तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। वह जन्नत इन अर्ज़ हद समावात वल अर्ज़, और वो जन्नत जिसमें हम सब ने जाना है, सारे कहें इंशाल्लाह, क्योंकि जाना है कि नहीं, उस जन्नत में इंशाल्लाह हम सब ने जाना है, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत बनाई मुसलमानों के लिए। माना कि हम गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, ख़ताकार हैं, गुनाह के पुतले हैं, लेकिन वो रब भी तो हमारा रब है ना, जो गफूर रहीम है, जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो कहता है कि एक मर्तबा तुम मेरे दर पे आके अपनी आंखों से नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहा दो, तौबा और इस्तिगफार कर लो, तुम्हारे गुनाह इतने हों कि आसमान की बुलंदियों को भी पहुंच जाएं, मैं सारे के सारे गुनाहों को नेकियां बना दूंगा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने जो जन्नत हमारे लिए बनाई है, वह जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, आज हम ज़मीन पर हैं, आसमान को देखते हैं, देखने में बड़ा करीब लगता है, लेकिन कोई आज तक पहले आसमान पर पहुंच पाया है? नहीं पहुंच पाया। वह जन्नत इन अर्ज़ हस समावात वल अर्ज़, हर चीज़ की लंबाई लंबाई की पैमाइश होती है और चौड़ाई की पैमाइश होती है। अल्लाह ने यहाँ पे इस आयत के अंदर कुरान मजीद के इस मुकाम पे आसमान वाले रब ने जन्नत की चौड़ाई का जिक्र किया है। जितनी ये ज़मीन से लेके आसमान तक का खला तुम्हें नज़र आता है, जन्नत की इतनी चौड़ाई है, हज़ारों मील की मुसाफत पर है, कोई आज तक वहां पर पहुंच नहीं पाया, देखने में यह बड़ा करीब लगता है, लेकिन अल्लाह कहते हैं जमीन और आसमान जितनी इसकी चौड़ाई है, हजरत हमने उस जन्नत में जाना है। उस जन्नत में जाने के लिए हमें कुछ आमाल करने हैं। आसमान वाले अपने सोल में पारे की सूरत कहफ की आखिरी आयत के अंदर ऐलान फरमाया, फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। हजरात, रब से मुलाकात दो किस्म की है, एक वो मुलाकात जो खुश नसीबी वाली है, जो खुशबख्ती वाली है, एक वो मुलाकात है जो बद नसीबी वाली है, बदबख्ती वाली है। दुआ किया करें जब भी अपने हाथों को उठाते हैं कि अल्लाह कल क़यामत का दिन होगा, तुझे शदीद किस्म का गुस्सा आया होगा, उस दिन हमने तुझसे मुलाकात करनी है, लेकिन अल्लाह हमारी मुलाकात खुश नसीबी वाली मुलाकात बना देना। खुश नसीबी वाली मुलाकात की बेशुमार मिसालें हमने सुनी हैं कि अल्लाह अपनी रहमत की नज़र करेगा, एक गलती को एक नेकी को दे के माफ़ कर देगा, किसी को अपने करीब करेगा, रहमत की चादर में लपेटेगा और उसको उसके किए हुए आमाल याद करवाएगा। बंदा कहेगा हाँ अल्लाह मैंने फलां जगह पे ये गुनाह किए, अल्लाह कहेगा सुना मैंने फिर पर्दा किया कि नहीं, मैंने तेरे ऐबों पर, मैंने तेरे गुनाहों पर, तेरी करतूतों पर पर्दा डाल के रखा, दुनिया में तुझे जलीलो रुस्वा नहीं होने दिया, आज भी जलीलो रुस्वा नहीं होने दूंगा, तेरे गुनाहों पर पर्दा आज भी है, जाओ मेरी जन्नत में चले जाओ। यह है खुश नसीबी वाली मुलाकात। अल्लाह का मुलाकमिन हम सब को भी ऐसी मुलाकात नसीब फरमाए कल क़यामत का जो सख्तियों वाला दिन है। और बदबख्तियों वाला दिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस दिन अल्लाह का मुलाकमिन सख्त तरीन गुस्से में होंगे, और जिस बंदे से रब ने हिसाबों किताब का मामला शुरू कर लिया
वो बंदा हिलाक हो गया, तबाह हो बर्बाद हो गया। ये बदनसीब लोग हैं, बदनसीबी वाली मुलाकात है। अल्लाह का मुलाकिमिन हम सबको महफूज फरमाए। फमन कान यरजू लिका रब्बी, तुम में से जो भी अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, कौन सी मुलाकात? अच्छे वाली मुलाकात, के रब खुश होकर तुम्हारा इस्तकबाल करें, तुम जाओ रब नरमी से तुम्हारे साथ बात करें, प्यार से तुम्हारे साथ गुफ्तगू करें, तुम्हारी बातें सुने, अपनी बातें सुनाएं, प्यार मोहब्बत की बातें हों, और उसके बाद तुम्हारे हाथ में जन्नत का सर्टिफिकेट हो, जन्नत का सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में हो, जन्नत तुम्हारे सामने हो, जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएँ। फमन कान यरजू लिका रब्बी ही, तुम में से जो चाहता है कि अपने रब से वो मुलाकात करे, अच्छी मुलाकात करे। फमन कान यरजू लिका रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा, उस बंदे को फिर चाहिए कि वो नेक अमल करे। नेक अमल, वो नेक अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, अपनी मर्जी से गड़े हुए, अपनी मर्जी से बनाए हुए, अपनी मर्जी से रस्म और रवाज को दीन का नाम देके उन पर अपनी ज़िंदगियां गुजार के इंसान बिदात का मुर्तकिब तो हो सकता है, लेकिन ना तो वो सुन्नत को पा सकता है, ना ही अल्लाह के कुरब को पा सकता है, और ना ही वो जन्नत का कुरब ले सकता है। वो नेक आमाल, वो अमल, वो वज़ाइफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद करते रहे, सहाबा इकराम को उसकी तरगीब दिलाते रहे, सहाबा इकराम उन पर अपनी ज़िंदगियां निशावर करते रहे, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारते रहे, और आगे ही उन्होंने इन तालीमात को अहादीस की शक्ल में मेरे और आप तक पहुंचाया। अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाजल फरमाए। हजरात, आज हमने वो सीखने हैं आमाल के जिनके करने की वजह से हम अल्लाह के और उसकी जन्नत के करीब हो जाएँ, हम उसकी जन्नत के हकदार बन जाएँ। तो वो आमाल कौन से हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हज़रत उम्मे हबीबा, सब कह दें रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सहाबिया का नाम आए तो क्या कहना है, और सहाबी का नाम आए तो क्या कहना है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का नाम आए तो क्या कहना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्यार मोहब्बत के कौल हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हैं, ये करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत की लपेट में आ जाएंगे। अल्लाह से मोहब्बत का इजहार, नबी से मोहब्बत का इजहार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी के शगिरदान नबी के सहाबा से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। हज़रत हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, जो नबी अलैहि सलातु वसलाम की अज़वाज मुतहरात में से हैं, क्या कहती हैं, अन्नहा समियतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन युसल्ली लिल्लाहि कुल्ल यौमिन सिन्तै अशरा रकअतन ततवुअन गैर फरीज़तिन इल्ला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। सही मुस्लिम की रिवायत है, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना कि जो बंदा एक दिन में फ़राइज़ के अलावा, बात को तवज्जो से सुनिएगा, हमने इंशाल्लाह इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, फ़राइज़ के अलावा जो बंदा एक दिन में 12 रकात अदा कर लेता है, फ़राइज़ उसने पढ़ने ही पढ़ने, फ़राइज़ के अलावा की बात हो रही है, जो बंदा फ़र्ज़ों के अलावा एक दिन में 12 रकात अदा कर लेता है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। इल्ला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, इसने 12 रकात इस ज़मीन पर अदा की, इसको बैरिया टाउन में प्लाट नहीं मिला, इसको अल्लाह ने अपनी आलीशान जन्नत में एक मकान का मालिक बना दिया। इसने 12 रकात पढ़ी, वो 12 रकात है कौन सी, मिन कबल सलातिल फजरी, फजर की नमाज से पहले, फराइज से पहले 2 रकात, मिन कबली सलाती जोहरी, जोहर से पहले 40, 4 रकात, और 2 रकतें मिन बादी सलाती जोहरी, यानी कि इसने 4 रकात जोहर से पहले पढ़ी हैं, और उसने 4 रकात जमात के साथ पढ़ी हैं, 2 रकत इसने बाद में पढ़ी, कितनी हो गई, 2 फजर टाइम पढ़ी थी, और 4 इसने असर की फराइज से पहले पढ़ी थी, फराइज अदा करने के बाद इसने 2 पढ़ी, कितनी हो गई जी, 4 और 2, 6 और 2, 8, 10 नहीं, 8 हुई, और मिम्बादी सलातिल मगरिबी, मगरिब की नमाज के बाद इसने 2 रकत पढ़ी, कितनी हो गई, व मिम्बादी सलातिल इशाई रकअतैन, 2 रकतें इसने इशा की नमाज के बाद अदा की, फ़राइज़ के बाद इसने, तादाद याद रहेगी, फजर की नमाज से पहले यानी कि फ़र्ज़ों से पहले हमने कितनी पढ़नी है, जोहर के फ़र्ज़ों से पहले हमने कितनी पढ़नी है, जोहर के फ़र्ज़ों के बाद हमने कितनी पढ़नी है, मगरिब के फ़र्ज़ों के बाद हमने कितनी पढ़नी है, इशा के फ़राइज़ के बाद हमने कितनी पढ़नी है,
ये टोटल 12 नवाफिल बनते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने फर्जी नमाज के अलावा एक दिन में 12 नफल अदा किए, 12 रकतें अदा की, आसमान वाले रब को इसका ये अमल इतना पसंद आया, अल्लाह ने इसके लिए जन्नत में एक मकान तैयार कर दिया। अब इस मकान का मालिक कौन होगा? नमाज पढ़ रहा हूं मैं या नमाज पढ़ रहे हैं आप में से कोई और? तो मालिक कौन होगा? जो पढ़ेगा वही होगा ना। अल्लाह किसी का हक नहीं मारते। हजरात कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूं, आप भी कोशिश करें, इंशाल्लाह आज के बाद इस अमल को हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। सारे कहें इंशाल्लाह। बनाएंगे कि नहीं? जन्नत में जाना है कि नहीं? हजरात जन्नत में लेके जाने वाले आमाल, वो आमाल जो इंसान को जन्नत में लेके जाएंगे, हमने उन आमाल को आज अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ें, सहाबा इकराम की ज़िंदगी पढ़ें, हमें वो चंद आमाल नहीं बल्कि बहुत सारे आमाल ऐसे मिल जाते हैं कि जिनसे हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को आसमान वाले रब ने मेराज करवाई, अका अलैहिस्सलाम ने जन्नत की सैर की, नबी अलैहिस्सलाम ने जहन्नम को देखा। नबी अलैहिस्सलाम जब जन्नत की सैर कर रहे थे, आपके आगे आगे चलने के कदमों की आहट आई, नबी अलैहिस्सलाम के पूछने पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये आपका सहाबी कौन है? बोलें बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जो चलते ज़मीन पर हैं, कदमों की आहट अल्लाह की जन्नत में आती है। नबी अलैहिस्सलाम वक्त के नबी होने के बावजूद बड़ा तजस्सुस हुआ, वापस आए, फजर की नमाज़ पढ़ाई और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुला लिया। ए बिलाल, कौन सा ऐसा अमल है, कौन सा ऐसा अमल है कि जिससे तुझे अपने रब पर इतनी उम्मीद है कि वो उस अमल को देखते हुए तेरी मगफरत कर देगा? ए बिलाल, मैं रात को जन्नत की सैर करके आया, मैंने अपने आगे आगे कदमों की आहट सुनी, पूछने पर पता चला ये बिलाल के कदमों की आहट है। ए बिलाल, कौन सा ऐसा अमल करते हो? बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा अमिलतु अमलन फिल इस्लामी अर्जा इंदी मनफातुम मिन इन्नी। अल्लाह के नबी, अमल इस्लाम लाने के बाद, अमल तो कोई खास इतने बड़े नहीं, लेकिन एक अमल ऐसा है मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि हो सकता है मेरा वही अमल हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या है बिलाल, वो अमल कौन सा करते हो? अल्लाह के नबी सल्लम, जब भी बेवजू हो जाता हूँ फ़ौरन से वजू कर लेता हूँ, और फ़ौरन से वजू करने के बाद कितनी रखतें? दो रखतें अदा कर लेता हूँ, वजू करता हूँ, अपने आप को पाक साफ रखता हूँ, बेवजू कभी नहीं होता, और जब भी वजू करता हूँ वजू करने के बाद जितनी अल्लाह को मंजूर होती हैं 2, 4, 6 नफल अदा कर लेता हूँ, हो सकता है अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई हो। हजरात अगर बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ये अमल करके रब की जन्नत के वारिस और मुस्तहिक बन सकते हैं, तो क्या ये अमल मैं और आप करके रब की जन्नत के मालिक नहीं बन सकते? जन्नत में लेके जाने वाले आमाल हम सीख रहे हैं, तो हमने सिर्फ कानों की हद तक, चस्के लेने की हद तक नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी में भी इन आमाल को शामिल करना है। हजरात नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत में लेके जाने वाले बहुत सारे आमाल बताए, उन आमाल में एक अमल ये भी है कि अल्लाह की राह में जिहाद करना, अल्लाह की राह में जिहाद करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कातल फी सबीलिल्लाहि मिन रजुलिन मुस्लिमिन फवाका नाकतिन वजबत लहुल जन्ना। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, अका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते में सिर्फ इतनी मकदार में जिहाद कर ले जितना वक़्त ऊँटनी का दूध धोने में लगता है, ऊँटनी का दूध धोया गया, उसका दूध निकाला गया, जितना टाइम इस पे लगा, जो बंदा इतना टाइम राह जिहाद में फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रिजा के लिए जिहाद में अपना इतना वक़्त लगा देता है, अपना इतना वक़्त फी सबीलिल्लाह वो सरफ कर देता है, आसमान वाला रब उसके इस वक़्त को ज़ाया ना करते हुए इसको जन्नत का दाखिला अता करेगा। कितना बड़ा अमल है। हम बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकते, तो हम घर बैठ के भी उनके लिए हाथ उठा के दुआ भी नहीं कर सकते? मुजाहिदीन के लिए, अपने पाकिस्तान की आर्मी के लिए, अपने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए। और सबसे बड़ा जिहाद क्या है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा ले, इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा ले, इसमें उसका जितना वक्त सरफ होगा, जितना वक्त लगेगा, आसमान वाले रब को इसकी नीयत इरादे का पता है, अल्लाह का मुलाकमिन इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। हजरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही अल बुखारी की रिवायत है, सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला ने हदीस के रावी हैं,
हम आमाल सीख रहे हैं जन्नत में जाने वाले, तो हमें इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यज़मनु ली मा बैन लिहयैही व मा बैन रिजलैही अज़मनु लहुल जन्ना। सही बुखारी की रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वो बंदा जो मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। दो चीज़ों की ज़मानत तुम मुझे दे दो, आज से 1450 साल पहले मेरे और आपके पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत वाली ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज, ये अल्फाज क्यों अदा किए गए, ख़ास तौर पे इन दो चीज़ों का जिक्र क्यों किया गया? कभी हमने गौर किया है, इन दो चीज़ों को, इन दो चीज़ों की हिफाजत करके इंसान जन्नत का वारिस बन जाता है, और अगर इन्हीं दो चीज़ों का इस्तेमाल गलत हो जाए तो इंसान जहन्नम का ईंधन बना के रख दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मई अज़मनु ली मा बैन लिहयैही व मा बैन रिजलैही अज़मनु लहुल जन्ना। तुम में से जो बंदा मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? मा बैन लिहयैही, तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान पटाख पटाख चलने वाली ज़ुबान, और तुम्हारी दो टांगों के दरमियान शर्मगाह। इन दो चीज़ों की हिफाजत, कि तुम इनका हराम इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम इनका हलाल तरीके से इस्तेमाल करोगे, ज़ुबान अल्लाह ने दी है इसका सही इस्तेमाल करोगे, शर्मगाह गलत इस्तेमाल नहीं होगी, हलाल तरीके से इस्तेमाल होगी, निकाह की सूरत में इस्तेमाल होगी। तुम इन दो चीज़ों की गारंटी मुझे दे दो, अज़मनु लहुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। हजरात, अमल कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। हम अपनी ज़ुबान को, हम अपनी शर्मगाह को, हम अपने पूरे जिस्म को, ये तो दो चीज़ों का जिक्र किया गया ना, हम अगर चाहें जन्नत की सही तड़प हो, जहन्नम से सही हमें डर हो, अल्लाह का सही डर और खौफ हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में अगर असर कर जाए, हजरात ये तो दो चीज़ें हैं, हम अपने पूरे वजूद को बचा सकते हैं, वो भी जहन्नम की आग से। लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो, अल्लाह ने फरमाया, वअल्लैस लिल इंसानी इल्ला मा सहा, इंसान के लिए वही कुछ है जो उसने कोशिश की है। अगर उसने इन दो चीज़ों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की है तो जहन्नम का ईंधन बना के रख दिया जाएगा, जहन्नम इसका ठिकाना होगा, जहन्नम की हौलनाक वादियाँ इसकी मुंतज़िर होंगी। लेकिन अगर इन्हीं दो चीज़ों का इसने सही से इस्तेमाल कर लिया, इनकी हिफाजत कर ली, और ज़ुबान के मतलब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दिन का आगाज़ होता है, पूरा वजूद, पूरे वजूद का एक एक अंग जोड़ जोड़ इस ज़ुबान के सामने मिन्नतें समाजते करते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जैसे ही दिन का आगाज़ होता है, इंसान के पूरे आज़ा इस ज़ुबान के आगे मिन्नत और समाजत करते हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी, अगर तू सही रही तो हम तेरा पूरा जिस्म सही है, लेकिन अगर तेरे अंदर ख़राबी आ गई तो फिर इसको ख़राब होने में टाइम नहीं लगेगा। हजरात, ये ज़ुबान और शर्मगाह, इन दोनों की हमने हिफाजत करनी है, इसलिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़मानत के हकदार बन जाएं, ताकि हम अल्लाह की जन्नत के वारिस और मुस्तहिक बन जाएं। हजरात, अल्लाह ताला के कितने नाम हैं? जिन्होंने आंदा है वो बोलो, जिन्होंने नहीं आंदा वो चुप रहे हैं। 99 नाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी और नबी अलैहिस्सलाम की सबसे ज़्यादा अहादीस को नकल करने वाले सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि तआला 99 इस्मा मिआता इल्ला वाहिदा मन अहसाहा दाखल अल-जन्ना। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे ने अल्लाह के 99 नाम याद कर लिए, कितने? 99 नाम याद कर लिए, और फिर खाली याद ही नहीं किए, उनको याद रखे, और याद रहेंगे कैसे? जब उनको पढ़ता रहेगा। जिस बंदे ने अल्लाह के 99 नाम याद कर लिए फिर याद रखता रहा, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ईमान की हालत में ये काम करता रहा है, ईमान की हालत में ये नेक अमल करता रहा है, अल्लाह के इसने 99 नाम याद किए हैं, उनका ये विरत करता रहा है, जब ये मर गया दाखल अल जन्ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में दाखिल हो गया। क्यों जी, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगता है अल्लाह के 99 नाम पढ़ने में? आजकल नेट का दौर है, तरह तरह की खूबसूरत आवाज़ें निकली हैं, इंसान चलो मगन होकर ही पढ़ ले,
नहीं मगन हो के पढ़ना आता, नहीं जुबानी याद, ऊपर देके याद करना शुरू कर दे, एक दिन एक याद हो जाएगा, दो याद हो जाएंगे, तीन याद हो जाएंगे, एक महीने में याद हो जाएंगे। अल्लाह के नाम है यार, जो हमको रोजी देता है, जो हमको रिजक देता है, जो हर तरह की नेमतें अता करता है, हमें उस मालिक के नामों का ही पता नहीं। अफसोस वाली बात नहीं? ये 99 नाम याद कर लें और अल्लाह के हाथों जन्नत का सर्टिफिकेट लेने वाले बन जाएं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। हजरात, हाफिज़े कुरान, ये वो अमाल बता रहा हूँ जो इंसान को जन्नत में लेके जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकालु लिसाहिबिल कुरान इज़ा दखल अल जन्ना इकरा वसअद। जब हाफिज़े कुरान, आज क्या होता है, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, सोचे पहले बननी शुरू होगी, अच्छी बात है, बननी चाहिए, लेकिन काश के तेरी और मेरी सोच इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा जैसी हो जाती, काश के तेरी और मेरी सोच मरियम अलैहि सलातो सलाम की वालदा जैसी हो जाती। मरियम अलैहि सलातो सलाम की वालदा ने भी अल्लाह से नज़र मानी थी कि अल्लाह मुझे बेटा दे, तेरे दीन के लिए वक्फ़ कर दूंगी। तो जब पैदा हुई तो क्या बेटी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो बुखारी की किताब का जिक्र कर रहा हूँ, उस किताब के मुसन्नफ़ का जिक्र कर रहा हूँ जिस किताब के मुतल्लक शिया हों, बरेलवी हों, देवबंदी हों, वाबी हों, अहले हदीस हों, पूरी उम्मत के उलमाए किराम का मुत्तफिका फैसला है कि आसमान की छत के नीचे, तहत अदीम समाई, आसमान की छत के नीचे और अल्लाह की किताब के बाद इस पूरी कायनात में अगर किसी किताब का दर्जा है तो वह सहीहुल बुखारी है। उसके मुसन्नफ़ की बात कर रहा हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालदा ने भी अल्लाह से नज़र मानी थी कि अल्लाह मुझे बेटा दे, तेरे दीन के लिए वक्फ़ कर दूंगी। बेटा पैदा हुआ तो आंखों से नबीना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो नबीना थे। हजरात, बात को मुख्तसर करता हूँ, ये मौजू किसी और तरफ ना चला जाए। हजरात, अगर हम भी इस तरह की सोचें, इस तरह की फ़िक्रें और इस तरह की सौदेबाजी और इस तरह की तिजारती काम हम भी अगर अपने रब के साथ करना शुरू कर देना तो बरकतें तो वैसे ही पैदा होनी शुरू हो जाएँ। हमारी सोच क्या होती है, ऐसे चलवावगी, वड्डा अफसर बनवावगी, बनाओ वड्डा अफसर बनाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इसको दीन भी तो दो। बड़ा अफसर तो बना लिया। हजरात, बड़े अफसोस से एक बात मैं कहता होता हूँ, बाप ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, हर तरह की डिग्री से उसको नवाज दिया, बाप मरने के करीब है, बीमार हो गया, बेटा आउट ऑफ कंट्री पढ़ने के लिए गया है, बाप फ़ोन करके कहता बेटा तबीयत बड़ी ख़राब हो गई, मिलने के लिए आ जाओ, अब्बा जी चंद दिन सब्र कर लें, बस चंद दिन का मेरा कोर्स रह गया है, जैसे ही मुकम्मल होगा, एक डिग्री रह गई है, वो डिग्री लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। वक्त ने साथ नहीं दिया, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बाप मर गया, इतला कर दी गई, इधर इसका कोर्स मुकम्मल होता है, इधर इसका बाप फौत हो गया, डिग्रियाँ लेके वापस आया, बाप चारपाई में मरा हुआ है, देख के परेशान हो गया और ज़ारो कितार रोई जा रहे हैं। ये कौन है जिसने दुनिया कमा कमा के थक चुका है, हर तरह की डिग्री इसके पास है, अब ये ज़ारो कितार रो रहा है। मैं ये हकीकत पर मैं अपनी बात सुना रहा हूँ, कोई फिल्म ड्रामे की बात नहीं। हजरात, ये रोई जा रहा है, चाचे आ गए, मामे आ गए, ताए आ गए, अजीज़ो कारब आ गए, रिश्तेदार आए, दिलासा दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, चुप करो, सब्र करो, बर्दाश्त करो, हिम्मत करो। कहता मैं इसलिए नहीं रो रहा मेरा बाप मर गया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे बाप ने मुझे दुनिया की हर तरह की तालीम से नवाजा, हर तरह की डिग्री मुझे दे दी, लेकिन नहीं दिया तो दीन ही दिया, बाप की मैयत सामने है, मुझे आज पता ही नहीं है कि बाप की मगफरत के लिए मैंने दुआ कौन सी पढ़नी है। लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया हमारे लिए डूब के मर जाने का मुकाम है। अगर इस तरह की शर्मिंदगी से, अगर इस तरह की बुरी हालत से मैं और आप बचना चाहते हैं, खुदा का वास्ता दे के आपको कहता हूँ, आज से ही अपनी औलादों को दीनदार बनाना शुरू कर दें, कम अज़ कम और ना सही अपनी औलाद को नमाज जनाजा तो सिखा के जाएँ। पंजाबी की मिसाल है, जिथे चूल्हा बालदा होंदा अग का उन्होंने ही पता होंदा है। फौतगी हो गई, मौलवी साहब अब्बा जी फौत हो गए, अच्छा जी जनाजा कब है, इतने बजे जनाजा, आपने पढ़ाना है। मौलवी साहब जितनी मर्जी दिल के अथाह गहराइयों से दुआ करें, लेकिन जो दुआ बेटा कर सकता है क्या वो मौलवी कर सकता है? जो दुख, जो तकलीफ, जो दर्द और जो बिछड़ना का एक सदमा और गम एक बेटे को है, क्या मौलवी को है? मौलवी दुआएं कर देगा, सुन्नत के मुताबिक कर देगा, लेकिन दुआ वो जो खलूस नीयत से हो और जिसको सबसे ज़्यादा सदमा हो उससे खलूस वाली दुआ कौन कर सकता है? हजरात, आज ही अपनी औलादों को कुरान के साथ जोड़ें, दीन के साथ जोड़ें।
और ना सही तो कम अज़ कम सूरत मुलक सूरत सजदा जड़ियाँ जरूरी जरूरी सूरत ने वो याद करवा दो। एक बहाना तो हो साढ़े को, हम तो इसके लिए भी तैयार नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाफ़िज़े कुरान इसको जब अल्लाह जन्नत में दाखिल करेंगे, ये जन्नत में जाएगा, जन्नत की पहली सीढ़ी पर है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन बजाते खुद जो इस कुरान को उतारने वाले हैं वो खुद कहेंगे इकरा पढ़ो। ऐ हाफ़िज़े कुरान दुनिया में तू कुरान की तिलावत किया करता था, लोगों को कुरान सुनाया करता था, आज तेरा खालिक व मालिक आसमान वाला रब तुझे खुद कह रहा है, आज रब का दिल कर रहा है कि तेरा कुरान सुने। क्यों जी हाफ़िज़े कुरान की शान छोटी है? अल्लाह खुद कहेंगे, फरमाया जाएगा इकरा व साद फयकरु व यसअद बिकुल्ली आयतिन दरजा, पढ़ता जा और जन्नत के बुलंदो बाला आलीशान महल्लात आलीशान बिल्डिंगें ये चढ़ता जा, और जहाँ पे कुरान की आखिरी आयत होगी, जहाँ पे वन्नास की सीन होगी, इतना आलीशान तेरे रब ने तेरा मुकाम बनाया है, वहाँ पे तेरा ठिकाना होगा। अपनी औलादों को कुरान के हाफिज़ बनाएं, कुरान के साथ इनकी मोहब्बत पैदा करें, और मोहब्बत तभी पैदा होगी जब हम सुबह उठ के खुद पढ़ने वाले होंगे, ये नहीं सुबह उठ के चिढ़ के चल पढ़ ये कर वो ते आप पढ़ी मोटरसाइकिल थे क्या काम थे, खुद पढ़ेंगे देखा देखी ये चीज़ें औलाद में कन्वर्ट होंगी। लेकिन अगर आप खुद नहीं करेंगे हो सकता है आपके डर और खौफ की वजह से औलाद करना शुरू कर दे, लेकिन एक जो दिल से करने वाला काम होता है वो लज्जत नहीं होगी। हजरात हमने अपने आप को शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? अब कई भाई सोच रहे होंगे कि यार साढ़ा तो हम टाइम गुजर गया, साड़ी जुबान मोटी हो गई, सोच रहे होंगे, सोच रहे हैं कि नहीं? माजरत के साथ मैं आपको बात लगा के नहीं करने लगा, जो बंदे कहते हैं ना कि जुबान मोटी होगी वो गाल बड़ी मोटी मोटी काट देना, गाल ऐहो जी कटन के पूरा हफ्ता करना जो तू निकलता रहेगा, गाली निकालने के लिए उनकी जुबान मोटी नहीं बल्कि बड़ी बरीक हो जाती है, बड़े तलफ़ुज़ से गाली निकालेंगे, और कुरान पढ़ने के लिए अस्तग़फ़िरुल्लाह जुबान मोटी होगी जी लफ्ज़ चढ़ दे नहीं। हज़रात रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस सुन लें, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा जो तरतील से कुरान को पढ़ता है एक एक हरफ के बदले अल्लाह इसको 10,000 नेकियाँ अता करता जाता है, और वो बंदा जो रात को या दिन को कुरान पढ़ने की कोशिश करता है, किसी भी वक्त वो कुरान को पढ़ने की कोशिश करता है, अल्फाज उसकी ज़ुबान पर चढ़ते नहीं हैं, अटक अटक के एक एक लफ्ज़ को वो 10-10 बार पढ़ के फिर उसको सही करके आगे चलता है, हाफ़िज़े कुरान तरतील से पढ़ने वाला एक लफ्ज़ को आसानी से पढ़ गया, एक अरब के बदले कितनी नेकियाँ 10, और इसने अटक अटक के पढ़ा, जितनी बार ये अटकेगा उतनी 10-10 नेकियाँ इसके नामा अमाल में अल्लाह लिखता जाएगा। वो पढ़ो तो सही यार, कुरान से मोहब्बत लगाएं तो सही, ज़िंदगी में रौनकें आनी शुरू हो जाएंगी। हजरात हमने जन्नत लेनी है कि नहीं जी? रोज़े क़यामत अल्लाह का अर्श लगा होगा और हमने उस रब से जन्नत के सर्टिफिकेट लेने हैं, और जन्नत में सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें जन्नती आमाल करने की ज़रूरत है। हजरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा जो अच्छी तरह से वुज़ू करता है और वुज़ू करने के बाद अच्छी तरह वुज़ू करना क्या है, यानी कि वो हाथ धो रहा है उसकी तवज्जो हाथों की तरफ हो, अल्लाह मेरे हाथों के गुनाह जितने हैं वो सारे मुआफ़ कर दे, 3 मरतबा हाथों को धो रहा है, और साथ में उसके जहन में ये फिल्म चल रही है कि अल्लाह मैंने अपने हाथों से बड़े जुल्म किए हैं बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह मेरे हाथों के जितने गुनाह हैं मुआफ़ कर दे, उसके बाद कुल्ली कर रहा है, कुल्ली करते हुए इसके जहन में हो अल्लाह मेरी ज़ुबान जिसकी हिफाजत की गारंटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी, अल्लाह मैंने अपनी ज़ुबान से झूठ बोला गिबत की चुगली हसद झूठ, अल्लाह मैंने हर किस्म का गुनाह बदकलामी तक कर दी बदतमीजी कर दी, अल्लाह मेरी ज़ुबान के जितने गुनाह हैं माफ़ कर दे, नाक को साफ़ करें उसके बाद चेहरा धोएं, चेहरा धोते हुए आपका ये ख्याल होना चाहिए अल्लाह तूने मुझे 2 आँखें दी हैं, ये 2 आँखें तूने हुक्म दिया था कि इनका सही इस्तेमाल करना है, इनमें अल्लाह का डर खौफ पैदा होना चाहिए, अल्लाह मैंने इनका गलत इस्तेमाल कर लिया, वो गलत और वो गंदी चीज़ें मैंने इन आँखों से देख ली जो दीन इस्लाम ने मना की थी, अल्लाह मैंने अपनी आँखों के जितने गुनाह किए हैं अल्लाह तू मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे, उसके बाद आप बाजू धोएं, उसके बाद आप अपने सर का मसा करें, सर का मसा करते हुए गंदे ख्याल जहन में आ जाते हैं ना,
उनको जहन में रखें। अल्लाह मेरे जहन को गंदे ख्याल से पाक साफ कर दे। यहाँ पे सिर्फ अच्छी चीज़ें आएँ, गंदी चीज़ों की ये जगह नहीं। उसके बाद आप अपने कानों का खिलाल करें। अल्लाह मैंने बड़ी हराम चीज़ें सुन ली, गाना बजाना सुन लिया, अल्लाह माफ़ कर दे मेरे कानों के जितने गुनाह हैं। पाँव को धोते वक्त आपका ख्याल होना चाहिए, अल्लाह तूने मना किया था गंदी महफलों में नहीं जाना, गंदी जगहों पर नहीं जाना, गंदे कामों के लिए अपने पाँव का इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह मैं ये गुनाह कर बैठा, मेरे पाँव के जितने गुनाह हैं अल्लाह तो उनको माफ़ कर दे। पूरी तवज्जो के साथ ये इंसान वुजू करता है, हाथ धोए, कुल्ली नाक और सारा इसने वुजू के अज़ा मुकम्मल कर लिए। उसके बाद इसने दुआ पढ़ी, कौन सी? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, सारे पढ़ें, अब्दुहु व रसूलु, अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तवाबीन व जालनी मिनल मुतातहिरीन। इसके इतने कलिमात अदा करने की देर थी, इसने पूरे खलूस से हाजिर अपने दिमाग को करते हुए इसने वुजू किया। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा किया। आसमान वाला रब आसमान पे बैठे ये सारा मंजर देखते हुए वहीं पे बैठे ये ऐलान कर देता है, तूने ये मेरी रजा के लिए इतना खलूस वाला अमल किया, जहाँ मैंने तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। क्योंकि जन्नत में जाना मुश्किल है, वक्त हो चुका है, बातें अभी भी बहुत सारी हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तफसील के साथ आइंदा जुमे उन सारी बातों को जिक्र करेंगे। हजरात, आज हमने सीखा है कि हमने वुज़ू करना है तो खलूस से ध्यान रखते हुए, तवज्जो करते हुए, और उसके बाद हमने दुआ पढ़नी है, एक ये। और वुज़ू करने के बाद अगर आपको मौका मिल जाए आप 2 रकत पढ़ लें, 4 रकत पढ़ लें, जन्नत का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद अपने आप को, अपने बच्चों को हाफ़िज़े कुरान बनाए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की बात करने लगा था, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल की एज में कहीं सफ़र पर जा रहे थे, नाम सुना है कि नहीं, सफ़र पर जा रहे थे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, बारिश आ गई, पुराना सा प्लेटफार्म था, छत टूटी हुई थी, बारिश के कतरे गिरते गए नीचे एक छोटा सा खड्डा था, वो पानी से भर गया। ये उसकी तरफ देख ही जा रहे हैं। जब वो भर गया तो अपने आप को मुखातब करके कहते हैं, ऐ सादी, अगर एक एक कतरा गिर के ये खड्डा ये टोया भर सकता है पानी के साथ, एक एक लफ्ज़ सीख के तो रब का दीन आगे नहीं पहुंचा सकता। 40 साल के बाद ये सोच पैदा होती है, 40 साल के बाद दीन को सीखना शुरू करते हैं, और फिर दीन को फैलाने में ऐसा काम किया कि आज हर मदरसे के अंदर कहीं ना कहीं उनका जिक्र किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके मर जाने के बाद आपका अच्छे से जिक्र करें, तो हजरात इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, नेक आमाल में हमें एक दूसरे से सबकत लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जितने भी जन्नत वाले नेक आमाल हैं, वो आमाल जो तेरे नबी ने करके बताए, सहाबा इकराम ने करके दिखाए, अल्लाह हमें वो सारे आमाल करके अपनी जन्नत का वारिस बना दे, अपनी जन्नत का मुस्तहिक बना दे, हमें नेक आमाल में एक दूसरे से आगे निकलने की तौफीक अता फरमा दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।